बढ़िया मूवी थी, नाइस मूवी। समय के किरदार कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग था। अभिषेक बच्चन का रोल था इसमें, अमिताभ बच्चन। दारू थोड़ा कम पीते तो अच्छा लगता था, काफी अच्छा था। दारू कम पीते तो अच्छा लगता था, अच्छा मूवी था। सीन डायलॉग कैसे लगे? अरे वो ऐसा लग रहा था लाइव मैच देख रहा हूँ, एक नंबर, एक जबरदस्त। बहुत मस्त। अमिताभ बच्चन का किरदार कैसा लगा? कॉमेंट्री का बहुत अच्छा है, कॉमेंट्री का भी अच्छा लगा। और इसमें जो तीन डायलॉग है कैसे लगे आपको? ठीक है। अभिषेक बच्चन का किरदार कैसे लगा? नया लुक पहला उनका। बॉस मूवी कैसे लगे आपको? वन टाइम वॉच बढ़िया। नहीं एक्शन एक्शन कैसे, जो बॉलिंग का जो दिखाया लड़की का? नहीं बढ़िया बढ़िया। लास्ट इस मिनट के लिए वापस मूवी देखना ना पड़ेगा। बात मूवी कैसे लगी आपको? अच्छी पिक्चर है, ऐसी स्टोरी पे फिल्में बनाना भी अच्छी बात है, और बहुत अच्छी पिक्चर है। कहीं बोर नहीं है और कहीं बोरिंग जैसा नहीं लगता है। और रियलिटी पे स्टोरी बनाने वाले बहुत कम लोग देखते हैं, देखने वाले भी, बट एक बार देखना चाहिए, बहुत अच्छी पिक्चर। अभिषेक बच्चन का कैसा किरदार लगा? बहुत बढ़िया लगा, इतने दिन बाद आए बहुत बढ़िया लगा। और जो उसमें उनका हाथ कटा हुआ है, हीरोइन का नाम क्या है? खेर। बहुत 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 बेहतरीन काम किया है। थोड़ी सी लव स्टोरी भी दिखाई हल्की सी। हाँ, अमिताभ बच्चन का गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, और एंडिंग में अमित जी का काम अच्छा, अमिताभ बच्चन का। बट फिल्म बहुत अच्छी है, देखना चाहिए। स्टोरी है बहुत बढ़िया, स्टोरी लिए हुए हैं, इतने दिन बाद आए हैं। और मेन क्रिकेट के ऊपर से बनाया हुआ है, मतलब एक जज्बा होता है खेलने का लोगों के मन में। अच्छी पिक्चर, एक बार देखना चाहिए। अमिताभ बच्चन का कैसा लगा डायलॉग, जिसमें जो कमेंट्री किया था? उनके बेसिकली डायलॉग मुझे एक डायलॉग था जब, हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बड़ा मजा आया वो डायलॉग सुन के। तारीफ में खास कर ना इस बार अभिषेक बच्चन ने बोला दिया, मतलब वो जो एक सीक्वेंस है जिसमें वो स्टार्टिंग ट्रेलर में अगर आप देखेंगे तो उसमें वो बड़ा खारा हुआ इंसान होता है ना, जो दूसरे के अंदर जीत की खुशी देखता है और देखता है कि जैसे कि बाप हो गया, बाप हो चुका है। बहुत मेन लीड उसी की है और उसने बहुत अच्छा ग्रिप किया इस फिल्म के अंदर। लव स्टोरी भी दिखाई उनके बॉयफ्रेंड के। हाँ, लेकिन वो अंगद बेदी का इतना वो मोमेंटम कैच नहीं हुआ फिल्म के अंदर जितना होना चाहिए था। लेकिन ज़्यादातर जो फिल्म का बेस है वो क्रिकेट के साथ में इमोशन से कैप्चर करते हुए बीच में लिखने के बड़ा मजा आया। तो ऑडियंस को आनी चाहिए मुझे? आनी चाहिए। छोटे बजट की फिल्म है लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है। आप देखो सनी देओल की और जो लास्ट फिल्म आई है उसके बाद इसको रिलीज करा, लेकिन इसको भी देखना चाहिए। और जो इनका जो डेब्यूट है, इनका खेल का जो डेब्यूट है, इनका एक्टिंग कैसा था? सयामी खेल, सॉरी यार, लोकल बैंडा यस। बहुत अच्छी लगी उसकी एक्टिंग में, निखारे फ्रेशनेस है। वो कहीं से भी ने पुरानी जो मिर्जिया से डेब्यू किया था उसकी कहीं से कोई छाप नहीं दिखती है, एक नया वो कैरेक्टर लग रही है एक्चुअली। किसी भी तरीके का स्टार्डम में वो फिर भी नहीं लग रही है। और साथ ही साथ अभिषेक बच्चन का जो कैरेक्टर है साथ में, जो उसको जीत हार से जीत में बदलने का है, और उसके बाद वो एक लास्ट में सस्पेंस है जो कि खुलता है, वो रिग्रेट होता है, और उस चीज़ पर वो बड़ा लास्ट में क्लाइमेक्स में बड़ा रुला देते हैं, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू।